So students, we were studying about the process characteristics of the extruders, in which in the last few lectures we were studying about the screw design. Specifically जो है वो हमने screw pitch के बारे में जो है वो last lecture में पढ़ा था. उसके बाद हमने जो उसके flights होती हैं screw की, channel depths होते हैं, उनके बारे में हमने जो है वो last lecture में cover किया था. Regarding the screw pitch, we have learned that in the conveying section, if you remember about the barrel, अगर आपको barrel का जो है वो आप mind में दोबारा से लाएं, please जरा अपना जो हमारा design होता है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो conveying section है, उसमें हमें longer pitch required होती हैं. फिर जो हमारा melting section है, उसमें medium pitch required है. जो फिर हमारा metering section होगा end पे, ये जो आप देख रहे हैं die से पहले, इसमें हमें shorter pitch required है. तो screw pitch के जो screw design के अंदर हमने जो first इसका characteristic देखा था screw pitch, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जो है वो flashback हम जाते हैं. थोड़ा सा मैं आपको revise करवा रहा हूँ कि जो conveying section है उसमें longer pitch required थी, जो melting section था उसमें medium pitch, और जो metering section है die से पहले उसमें shorter pitch जो है वो required थी. फिर हमने जो है वो स्क्रू फ्लाइट्स के बारे में भी पढ़ा था. चैनल डेप्थ पहले हमने पढ़ा, उसमें हमने कहा कि जो कन्वेइंग सेक्शन है उसमें डीप जो है वो चैनल डेप्थ होती है उसकी, और जो आगे जो उसकी मेटरिंग सेक्शन है या अदर सेक्शन जो है वो सेक्शन है उसमें शैलो जो है वो चैनल डेप्थ होती है. फिर हमने फ्लाइट्स के बारे में पढ़ा कि जो कन्वेइंग सेक्शन है उसमें सिंगल फ्लाइट्स रिक्वायर्ड होती है. इसी तरह जब वो मटेरियल हमारा आगे मूव करता है मेल्टिंग सेक्शन में या मेल्टिंग सेक्शन में, तो डबल या ट्रिपल फ्लाइट्स जो हैं वो हमें रिक्वायर्ड होती हैं. तो इस तरह हम जो हैं वो लेके चल रहे हैं हमारे स्क्रू के डिजाइन को. और इसमें जो है वो स्क्रू डिजाइन के अंदर और क्या चीजें थी जो उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, कि ये जो इम्पेक्ट करता है आपके मैकेनिकल एनर्जी इनपुट पर, जो आप इनिशियल लगा रहे हैं, जो इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है, जो मोटर इसके अंदर जो इनपुट एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, इनपुट जो हम इसमें लगा रहे हैं, उसको जो है ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है हमारा स्क्रू का डिजाइन. हायर मोटर एनर्जी, मोटर टॉर्क विल बी रिक्वायर्ड. हायर प्रोडक्ट टेम्परेचर, अब ये टेम्परेचर के ऊपर भी जो है ये आपका स्क्रू डिजाइन जो है ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है. उसके बाद जो इसकी विस्कोसिटी होती है हमारे जो एक्सट्रूजन के अंदर, जितनी भी हमारी विस्कोसिटी मटेरियल की चल रही है, ये उसको इंक्रीज या डिक्रीज करता है. उसके बाद हमारा प्रेशर चेंज होता है, हमारा जो डाई पे जो अल्टीमेट प्रेशर है, जो आफ्टर जो है वो हम देखते हैं एक्सट्रूजन या बिफोर डाई जो है, उसको भी ये अल्टर करता है. प्रोडक्ट के टेम्परेचर के बारे में भी हमने देखा, प्रोडक्ट की डेंसिटी को भी जो है ये सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है. सो टूडेज लेक्चर विल बी ऑन द नेक्स्ट पैरामीटर्स ऑफ द स्क्रू डिजाइन एंड द डाई डिजाइन. तो स्क्रू डिजाइन के अंदर जो एक और इम्पोर्टेंट जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है स्क्रू स्पीड. व्हेन वी आर प्रोसेसिंग अ प्रोडक्ट टू एक्सट्रूजन, तो उसके अंदर जो स्क्रू की स्पीड है वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करती है हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस को. इंक्रीजिंग द स्क्रू स्पीड इंक्रीजेस द शेयर रेट एंड मैकेनिकल एनर्जी इनपुट इन ऑल द मेल्ट फिल्ड सेक्शंस. तो अगर हम उसकी जो है वो स्क्रू की स्पीड अगर उसकी इंक्रीज होती है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, जो उसका शियर क्रिएट हो रहा है और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो भी उसकी जो है वो अफेक्ट करेगी. हाउएवर इट रिड्यूसेस द लेंथ ऑफ द मेल्ट पंपिंग सेक्शन. अब जब वो हमारे मेल्टिंग सेक्शन में जब जाता है, अगर स्क्रू की स्पीड ज्यादा है, तो हमारी जो उसकी जो ड्यूरेशन है, जो वो मेल्ट पंपिंग सेक्शन में जब हमारा मटीरियल जाता है, वो रिड्यूस हो जाती है. और उसके बाद जो है वो हायर मैकेनिकल एनर्जी इनपुट जो है वो रिक्वायर्ड होती है. और इससे क्या होता है, हमारा जो मेल्ट टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज कर जाता है. जैसे जैसे आप जो है वो स्क्रू की स्पीड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं, तो हमारा जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. फाइनली जो हमारा डाई है उसके अंदर जो है उस लोकेशन पे हमें लोअर प्रेशर जो है वो देखने को मिलता है, और प्रोडक्ट जो है उसके अंदर हाई एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती है. तो स्क्रू स्पीड के बारे में जो है वो हमने पढ़ा कि ये भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करती है हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस को,
इसमें हमने देखा कि जब इसकी स्पीड हम बढ़ा देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो शीयर रेट है वो बढ़ जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी भी इफेक्ट होगी, जो हमारा मटेरियल मेल्ट पंपिंग सेक्शन में जो है उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाएगी, मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो हमारा प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा, डाई का प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है उसके अंदर ज्यादा एक्सपेंशन हमें देखने को मिलती है। लो कन्वेइंग कैपेबिलिटी स्क्रू एलिमेंट्स एंड पेडल्स द डिग्री ऑफ फिल मे सिग्निफिकेंटली राइज विद स्क्रू स्पीड रिडक्शन बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड लेवल। तो उसी के बारे में आपको दोबारा जो है वो हम बता देते हैं कि स्क्रू स्पीड जो है, अगर आप उसकी स्पीड जो है वो किसी भी तरह आप उसको जो है वो अल्टर करते हैं तो वो सिग्निफिकेंटली जो है वो आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को अफेक्ट करेगी। इन केस द रिवर्स ऑफ द अबव रिजल्ट टेक्स प्लेस कॉज अ स्टेप राइज इन द मोटर टॉर्क एंड मैकेनिकल एनर्जी इनपुट। तो अगर आप उसकी स्पीड कम करते हैं या आप उसकी स्पीड ज्यादा कर रहे हैं, अल्टीमेटली जो है वो उसका मोटर ड्राइव के ऊपर असर पड़ेगा। जैसे आप ये नीचे जो है वो फिगर में देख रहे हैं, ये मोटर ड्राइव, ये सिग्निफिकेंटली आपके स्क्रू स्पीड के साथ जो है वो ये वेरी करती रहेगी। जैसे जैसे आप जो है वो स्क्रू स्पीड जो आप चेंज कर रहे हैं तो आपकी मोटर ड्राइव जो है उसके ऊपर भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट पड़ता जाएगा। स्क्रू स्पीड हैज अ मोर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द एनर्जी इनपुट इन हाई रिस्ट्रिक्टेड स्क्रू कॉन्फिगरेशंस। अब हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि कुछ हमने इंटरप्टेड फ्लाइट्स जो है या एक्सपेंडर्स के बारे में हमने पढ़ा था, उसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी स्क्रू की डिफरेंट है। तो अगर जो है वो स्क्रू की स्पीड जो है वो स्क्रू की कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है तो वो ज्यादा सिग्निफिकेंटली जो है वो आपके एक्सट्रूजन प्रोसेस को अफेक्ट करेगा। द डिग्री ऑफ फिल इज रिस्ट्रिक्टेड नॉन फॉरवर्ड फ्लो सेक्शन डज नॉट चेंज रिगार्डलेस ऑफ द स्क्रू स्पीड। अब इसके अंदर जो है वो कई दफा हम जो देखते हैं कि हमारे पास जो फ्लो कर रहा है हमारा मटीरियल, अगर वो बहुत ज्यादा कई दफा कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं या बहुत ज्यादा हम उसके अंदर वो ये ब्लॉक्स कर देती हैं या हम बहुत ज्यादा उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं, फिर उसकी स्पीड जो है वो हम उसके ऊपर जो है वो टोटली जो है वो डिपेंडेंट नहीं होते। उसके अंदर ये होता है कि हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो हमने मॉडिफिकेशन की होती है हमारे एक्सट्रूजन के अंदर, कुछ जो है वो हमने हमने रिस्ट्रिक्शन खुद क्रिएट की होती है उसके अंदर, हमने काफी जो है वो एक्सट्रूजन की टाइप में पढ़ा था। तो उसके अंदर सिर्फ स्क्रू स्पीड ही जो है वो उस पर डिपेंड नहीं करती, कुछ और फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सो द नेक्स्ट पैरामीटर आफ्टर स्क्रू डिजाइन इज द डाई डिजाइन। अब ये आप इसके फिगर में देख रहे हैं, आफ्टर मीटरिंग सेक्शन द डाई इज इंस्टॉल्ड। सो डाई जो है उसका डिजाइन भी सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस को। Reducing the number of die outlets or decreasing the physical dimensions of the opening area would generate a higher pressure drop across the die. अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह अब ये die का जो opening है, जिसकी जो outlet है, अगर इसको आप इसके opening area को decrease कर देते हैं तो उससे क्या होगा, एक pressure build up होगा across the die। अगर आप इसको इंक्रीज कर देते हैं इस ओपनिंग एरिया को, उससे क्या होगा कि हमारा प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप इसके ओपनिंग एरिया को डिक्रीज करते हैं तो हमारा ये जो प्रोडक्ट का मेल्ट पंपिंग सेक्शन के अंदर लॉन्गर जो है वो रिटेंशन टाइम देखने को मिलता है, प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा देर के लिए यहाँ स्टे करेगा क्योंकि अब उसकी ओपनिंग जो है वो हमने रिड्यूस कर दी है उसका साइज। तो डाई के डिजाइन के अंदर हमने क्या पढ़ा, ये जो इसकी ओपनिंग, इसकी आउटलेट्स या इसकी जो फिजिकल डायमेंशंस हैं वो सिग्निफिकेंटली हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। अगर हम इसकी ओपनिंग एरिया को रिड्यूस कर देंगे तो प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, अगर इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अगर हम इसकी ओपनिंग एरिया को डिक्रीज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट जो है उसको लॉन्गर रिटेंशन टाइम मिलेगा, मेल्ट पंपिंग सेक्शन में जो है वो लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करेगा। Then higher rate of mechanical energy input is required. अगर आप उसकी जो है opening जो है उसको decrease कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो mechanical energy input जो है उस पर भी significant effect आएगा। Higher shear rate within the die can also impact the resulting pressure. अब ये जो जब हमने उसको reduce कर दिया उसकी opening को die की, उससे pressure build up हुआ। अब जब pressure build up होगा तो high shear rate हमें देखने को मिलता है, जो कि जो फाइनल जो उसका रिजल्टिंग प्रेशर है उसको भी इफेक्ट करेगा।
और फाइनली जो प्रोडक्ट की डेंसिटी है वो चेंज होगी. द प्रोडक्ट डेंसिटी डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ हायर मेल्ट टेम्परेचर. अब जब हमने उसको डाई की ओपनिंग को रिड्यूस कर दिया तो प्रेशर भी बिल्डअप हुआ, प्रोडक्ट का टेम्परेचर भी बढ़ा, जिससे क्या हुआ उसकी प्रोडक्ट की डेंसिटी कम हुई. Then we have the barrel temperature. अब barrel temperature जो है ये भी बहुत important characteristic है हमारे extrusion के अंदर. ये भी significantly affect करता है हमारे extrusion process को. If you can remind the parts of the extruder, उसके अंदर जो है वो barrel एक बहुत important part है जिसके अंदर सारी installation हुई होती है. अब ये आप देख रहे हैं इसकी इसी barrel के अंदर screw install हुआ है जिसमें feeding zone, melting zone, metering zone है. तो barrel के अंदर क्या है, increasing the barrel temperature increases the melting temperature. अब ये जो है barrel temperature ये किसी भी तरह जो है ये इसमें increase हो सकता है. वो हमने last lectures में देखा है कि किस तरह जो है वो हम कई दफा friction से जो है वो उसमें temperature increase होता है. कई दफा external हम कुछ sources से injection भी करते हैं जो हमारी steam की या फिर thermocouples की involvement हो सकती है. लेकिन जो phenomena ये है कि जैसे ही barrel का temperature increase होगा हमारा जो melting zone है यहाँ उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा. उसके बाद क्या है, पैलेट के टेम्परेचर हमारी जो विस्कोसिटी है प्रोडक्ट की उसको डिक्रीज कर देगा. उससे क्या होगा, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी इनपुट है जो हम यहाँ मोटर के जो है इसे अगर आप थोड़ा सा माइंड में लाएं, जो शुरू में मोटर लगी हुई है उसमें कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी. और इस तरफ मीटरिंग जोन के आगे क्या होगा, जो प्रेशर है डाई का वो भी डिक्रीज हो जाएगा और प्रोडक्ट जो है उसकी डेंसिटी के ऊपर भी जो है वो अफेक्ट होगा. तो बैरल टेम्परेचर के अंदर हमने पढ़ा कि जैसे बैरल का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा, मेल्टिंग जोन का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा. उससे क्या होगा, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसके ऊपर अफेक्ट आएगा, जो डाई का प्रेशर है उसके ऊपर अफेक्ट आएगा और फाइनली प्रोडक्ट की डेंसिटी भी चेंज होगी. The barrel temperature can also influence the conveying efficiency of the extruder. अब जो conveying efficiency है, वो जिस तरह वो हमारा product जो है वो आगे move कर रहा है, किस force के साथ वो move कर रहा है, तो barrel temperature जो है उसको भी significantly affect करता है. That is because it may change the friction factor between the material and the barrel line. Friction factor के बारे में भी हमने पहले पढ़ा था कि ये बहुत important एक factor होता है आपके extrusion process के अंदर. तो ये जो barrel का temperature है ये सिग्निफिकेंटली आपके फ्रिक्शन फैक्टर के साथ भी लिंक करता है. यूजुअली द हॉटर द सरफेस द लोअर विल बी द फ्रिक्शन फैक्टर. तो ये एक साइंटिफिक जो है वो फिनोमिना है कि जैसे वो सरफेस जो है वो हॉट होगी कम फ्रिक्शन आपको देखने को मिलती है. जब कम फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगी तो प्रोडक्ट जो है वो उसको ग्रेटर स्लिपेज मिलेगी, इजिली जो है वो उसको कम रिस्ट्रिक्शन होगी, वो आगे जो है वो कन्वेइंग सेक्शन जो है वो उसको कैरी आउट करेगा और हमारा जो एक्सट्रूडर है वो हायर डिग्री ऑफ फिल जो है वो उसके अंदर परफॉर्म होगी. ये जो फिनोमिना है ये सिंगल स्क्रू में हमें ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू ट्विन स्क्रू. उसकी वजह ये है कि ट्विन स्क्रू के अंदर हीट एक्सचेंज प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है. दिस इन्फ्लुएंस कैन बी मोर प्रोनाउंस्ड इन द सिंगल स्क्रू देन इन ट्विन स्क्रू एक्सट्रूडर्स. देन द इंक्रीजिंग द बैरल टेम्परेचर में एक्चुअली ऑल्सो रिजल्ट इन हायर टॉर्क एंड हायर मैकेनिकल एनर्जी इनपुट. जैसे जैसे आपका जो है वो बैरल का टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी जो है वो एनर्जी के ऊपर जो है वहां भी आपका ये इफेक्ट पड़ेगा. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. सो दिस इज अ कंपैरिजन द समरी ऑफ द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रूडर डिजाइंस. फ्यू ऑफ देम वी हैव स्टडीड एंड द लेटर वी कैन स्टडी इन द नेक्स्ट क्लासेस. इसमें हमने स्क्रू डिजाइन के बारे में जो है वो हमने देखा, डाई डिजाइन के बारे में हमने देखा, बैरल टेम्परेचर के बारे में हमने देखा. तो ये कंपैरिजन है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि जैसे स्क्रू के डिजाइन है अगर इसके अंदर हम जो रिस्ट्रिक्शन है उसको इंक्रीज कर देते हैं तो उससे क्या होगा, ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी इनपुट रिक्वायर्ड होगी, मोटर टॉर्क इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट का टेम्परेचर बढ़ेगा, डाई का प्रेशर कम हो जाएगा और जो हमारी प्रोडक्ट की एक्सपेंशन है वो भी कम होगी. इसी तरह जो डाई का डिजाइन है अगर आप उसके अंदर जो है रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज कर देते हैं या फिर आप ये समझ लें कि आप उसको जो है वो उसकी जो ओपनिंग है उसको आप रिड्यूस कर देते हैं, उससे क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, मोटर का टॉर्क इंक्रीज होगा, प्रोडक्ट का टेम्परेचर भी बढ़ेगा एंड अल्टीमेटली
डाई का प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज होगा और प्रोडक्ट की डेंसिटी डिक्रीज होगी। इसी तरह आपका बैरल का टेम्परेचर है, अगर बैरल का टेम्परेचर जो है आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होगा, उससे फ्रिक्शन जो है वो कम देखने को मिलती है, फिर क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, मोटर टॉर्क भी कम क्रिएट होगा, प्रोडक्ट जो है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्योंकि बैरल का टेम्परेचर से हमने देखा कि वो डायरेक्टली जो है वो लिंक्ड है हमारे प्रोडक्ट के टेम्परेचर के साथ, और प्रोडक्ट का जो हमारा जो फाइनल डाई का जो प्रेशर है वो रिड्यूस होगा और डेंसिटी भी जो है वो रिड्यूस होगी। तो ये हमने कंपैरिजन एक देखा कि किस तरह जो है वो हमारा स्क्रू का डिजाइन, डाई का डिजाइन और बैरल का टेम्परेचर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस को। That's all for the lecture, so we can have a revision. So we were studying on the process characteristics of extruder. जिसमें हमने जो है वो last lectures में हमने screw pitch के बारे में पढ़ा था, channel depth के बारे में पढ़ा था और हमने screw flights के बारे में पढ़ा था। जिसमें screw pitch में जो है वो specifically हमने ये देखा था कि जो conveying section है हमारा उसके अंदर longer pitches required हैं, melting section या melting section जो sorry उसमें medium pitches required होती हैं और mating section जो die से पहले है उसके अंदर shorter pitches required हैं। इसी तरह channel depth के बारे में हमने देखा था कि जो conveying section है उसमें deep channel depths जो हैं वो perform होती हैं, और screw flights के बारे में हमने जो है वो पढ़ा था कि conveying section में single flights required होती हैं जबकि जो melting and matering section है उसमें double या triple flights भी required होती हैं। फिर हमने screw speed के बारे में आज पढ़ा आज के lecture में कि screw speed जो है ये हमारा significantly affect करता है हमारे extrusion process को। Screw speed अगर आप increase कर रहे हैं तो आपका shear rate increase होगा, mechanical energy input जो है उस पे effect आएगा। अगर आप उसको increase कर रहे हैं तो उससे हमारा product का जो time है जो जो उसकी लेंथ है मेल्ट पंपिंग सेक्शन में वो भी रिड्यूस हो जाएगी, हमें ज्यादा एनर्जी इनपुट लगानी पड़ेगी, प्रोडक्ट का जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज होगा लेकिन डाई का प्रेशर रिड्यूस होगा और प्रोडक्ट जो है वो एक्सपेंड भी करेगा। इसी तरह हमने आज के लेक्चर में जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक पढ़ा वो डाई का डिजाइन है, डाई का डिजाइन भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस को, जिसमें हमने देखा कि अगर जो उसकी हम आउटलेट्स हैं या उसकी जो ओपनिंग है अगर हम उसको इंक्रीज या डिक्रीज करें तो डायरेक्टली वो लिंक करता है हमारे प्रेशर जो हमारा डाई के क्रॉस क्रिएट होता है या फिर हमारा ये जो प्रोडक्ट का रिटेंशन टाइम है। तो इसमें हमने पढ़ा कि जब डाई का जो प्रेशर जो है डाई की सॉरी जो ओपनिंग है अगर हम उसको डिक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर बिल्डअप होगा और प्रोडक्ट को ज्यादा रिटेंशन टाइम मिलेगा हमारे इस बैरल के अंदर स्टे करने का। फिर सेकेंडली हमने इसी के अंदर आगे पढ़ा आज कि जब हम उसको रिड्यूस कर देते हैं हमारे ओपनिंग को उससे क्या होगा मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, हायर शियर रेट देखने को मिलता है और प्रोडक्ट के जो है जो डाई की जो अक्रॉस प्रेशर बिल्डअप हो रहा है उसके ऊपर ये इफेक्ट करता है। इसी के बाद जो है वो हमने बैरल के टेम्परेचर के बारे में आज पढ़ा जो हमारा नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक था कि ये भी सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है हमारे एक्सट्रूजन प्रोसेस को, जिसमें हमने देखा कि जब बैरल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो मेल्टिंग जोन का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है जिससे क्या होता है प्रोडक्ट की विस्कोसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी जो है वो भी रिड्यूस होगी, जो डाई का जो प्रेशर है वो भी रिड्यूस होगा और जो प्रोडक्ट की डेंसिटी है वो भी रिड्यूस होगी। हमने ये देखा कि जैसे ही जब उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता है तो हमें कम फ्रिक्शन देखने को मिलती है, जब हमें कम फ्रिक्शन देखने को मिलती है तो प्रोडक्ट को ग्रेटर स्लिपेज जो है वो मिलती है। उसके बाद क्या होगा हमारा जो एक्सट्रूजन प्रोसेस है जो हमारा एक्सट्रूडर है उसके अंदर प्रोडक्ट जो है उसको हायर डिग्री जो है वो फिल जो है वो अचीव्ड हो जाती है। फिर थर्डली जो है वो हमने देखा कि ये जो फिनोमिना था फ्रिक्शन वाला ये सिंगल स्क्रू में ज्यादा जो है वो देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू ट्विन स्क्रू, इसकी वजह कि ट्विन स्क्रू में हीट ट्रांसफर फिनोमिना थोड़ा सा डिफरेंट है। देन हमने जो है कंपैरिजन देखा
मैकेनिकल एनर्जी इनपुट, मोटर टॉर्क, डाई प्रोडक्ट टेम्परेचर, डाई प्रोडक्ट प्रेशर का, जिसमें से क्रू डिजाइन, डाई डिजाइन और बैरल का टेम्परेचर किस तरह जो है वो वेरी करते हैं. इसमें हमने देखा कि जो स्क्रू का जो है वो जब हम उसमें रिस्ट्रिक्शन जो है उसकी इंक्रीज कर देते हैं तो ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, मोटर का टॉर्क भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा, डाई का प्रेशर कम हो जाएगा और प्रोडक्ट की एक्सपेंशन भी कम होगी. फिर डाई के डिजाइन में हमने देखा कि जैसे ही हम उसमें रिस्ट्रिक्शन इंक्रीज कर देते हैं या उसकी ओपनिंग रिड्यूस कर देते हैं तो ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी रिक्वायर्ड है, मोटर का टॉर्क भी इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर भी प्रोडक्ट का बढ़ गया, प्रेशर जो है वो भी बढ़ गया और एक्सपेंशन जो है वो कम हुई. फिर बैरल का टेम्परेचर जो है अगर इंक्रीज किया तो कम मैकेनिकल एनर्जी लगानी पड़ी, उससे क्या होगा क्योंकि अब जो फ्रिक्शन है वो कम क्रिएट हुई, मोटर का टॉर्क भी कम लगा, प्रोडक्ट का टेम्परेचर तो बढ़ेगा, हमने देखा कि वो डायरेक्टली लिंक करता है हमारे बैरल के टेम्परेचर के साथ, और जो डाई का जो प्रेशर है वो भी कम हुआ और जो एक्सपेंशन है वो भी कम हुई. जी, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर.